आज हम देखेंगे डिजाइन मॉड्यूलर के बारे में। अभी ये है एनसिस वर्क बेंच, अब इसको ओके बोलो। एनसिस वर्क बेंच एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एनसिस के सभी प्रोडक्ट्स हैं या सभी टूल्स हैं। अभी हम सीखेंगे डिजाइन और हाउ टू डू एनी मॉडलिंग। तो दिस इज अ ज्योमेट्री, इसको सेट करके ऐसा ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप करो। तो ये हुआ ज्योमेट्री जिसको डिजाइन मॉडलर बोलते हैं, जिसमें हम लाइक कट या क्रियो डिजाइन सॉलिड वर्क वहाँ पे जैसे कैड मॉडलिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम कैड मॉडलिंग कर सकते हैं। राइट क्लिक एंड से न्यू डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री। अभी ये ओपन हुआ डिजाइन मॉडलर। अभी हम छोटे छोटे ऑपरेशंस करके देखते हैं ताकि हम सीख सके कि ये डिजाइन मॉडलर कैसे वर्कआउट करता है। अभी देखो ये ट्री आउटलाइन है और ये आपको एक्सिस सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब प्लेन, या आपको एक्स वाई प्लेन में स्केच करना है या जेड एक्स या वाई साइड में, और जो भी आप करेंगे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वर्कआउट होगा। जैसे कि अब हम देखेंगे एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में ड्रा होगा। तो इसको आप यहाँ पे जाके लुक एट बेस, मतलब आपको सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही दिखेगा। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन सीखते हैं इसमें से कि एक्सट्रूड कैसे करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक स्केचिंग अलग टाइप है और मॉडलिंग अलग टाइप है। तो स्केचिंग में जो भी आप लाइन, सर्कल, ये सब ऑप्शन आते हैं, डायमेंशन देना वगैरह, और मॉडलिंग मतलब ये जैसे ऑपरेशन एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप। तो स्केच में जाए, सपोज कि अब हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लिया तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसको कोइंसाइड करें और यहाँ से रेक्टेंगल खींचे। अभी देखो जैसे हम स्केच किया तो उसकी सारी डिटेल्स स्केच वन रिलेटेड आ गई, स्केच वन। अभी अभी हम इसको डायमेंशन दे रहे हैं। डायमेंशन एक तो जनरल इसको सिर्फ सेलेक्ट करो, ऐसे खींचो, जो भी है नॉर्मल वैसे ही रहने दो, इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल। और एक बार इसको क्लिक करो और जो भी वर्टिकल आता है कीप इट एज डिफॉल्ट, ओके, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कंस्ट्रेंट मीन्स जैसे आपको स्पेसिफिकली आपको बताना होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, वो आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, सेटिंग की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, तो इसके लिए आपको मॉडलिंग में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो किसको आपको एक्सट्रूड करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो इसको ये ऑलरेडी अप्लाई और ये स्केच वर्ड को हो गया। अभी आपको ऐड मटेरियल करना है या फ्रोजन करना है। अभी हम ऐड मटेरियल ले लेते हैं और उसका डेप्थ रखते हैं 1 मीटर एज इट इज। इसे यहाँ पे जाके जनरेट बोल दीजिए, जैसे आप लेंगे तो ये हो गया आपका एक्सट्रूड एक्शन और आपको मिल गया ये रेक्टेंगल। अब इसको फ्रोजन भी कह सकते हैं और फिर से जनरेट बोलिए तो ये आपको ये ट्रांसफर दिखेगा। आप इसका डायरेक्शन भी चेंज करके देखिए, रिवर्स, तो जो पहले इस साइड था जेड पॉजिटिव की तरफ और जेड नेगेटिव की तरफ चला गया।
बाकी सिमेट्रिक असिमेट्रिक ऐसे भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या कहते हैं हम स्केच टू लेते हैं। अभी ये एक्स वाई प्लेन में ऑटोमेटिकली स्केच वन आ गया। अभी अगर स्केच टू लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? अभी हम यहाँ पे ये देखिए, ये है न्यू स्केच, तो स्केच टू है, इसे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तभी स्केच टू के लिए हम स्केच में जाते हैं। सपोज अभी हम फॉर सेकेंडरी एग्जांपल लेट्स विल टेक सर्कल, सो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ओके, और उसे डायमेंशन आप रेडियस भी दे सकते हैं, डायमीटर भी दे सकते हैं। डायमीटर लिया मैंने और वो जितना आया है वही डिफॉल्ट रख दिया, ओके। अभी मॉडलिंग में फिर से और एक बार एक्सट्रूड लेते हैं और अप्लाई स्केच टू हो गया, और हम इसे बाकी के एग्जांपल जो है ऐड मटेरियल डायरेक्शन सभी एज इट इज, डेप्थ भी एज इट इज रखा और जनरेट किया। तो आप देख सकते ये ऐसे मैंने दूसरे एग्जांपल लेके मैंने आपको एक्सट्रूड समझा दिया। अब सपोज हमने डायरेक्शन अगर चेंज कर दी बोथ सिमेट्रिक तो क्या होगा? जनरेट, मतलब बोथ सिमेट्रिक बोला तो इससे यू कैन सी एक्सिस के मतलब 1 meter इधर 1 meter उधर। अगर हम इसे अनसिमेट्रिक बोले तो आप देख सकते इसमें चेंज, और आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं जो पहले था। तो इस तरह से एक्सट्रूड ऑप्शन यूज किया जाता है डिजाइन मॉड्यूलर में। आप इसका यूज अपने किसी भी और अदर डिजाइन मॉडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही, थैंक यू।